यार गाड़ी तो बहुत आ रही है यार, कोई लिफ्ट नहीं देगा क्या? क्या करूं भाई, इसको देखो कितना सुंदर है, कितना मस्ती खेल रहा है। हेलो, रात में नींद कैसे आई? दीदी को ना समझ में नहीं आ रहा है, ना हिंदी और ना इंग्लिश। गुड मॉर्निंग भाई लोग, अभी हम लोग उठ चुके हैं, सो के अनपैक हो गया, मेरा बैग पैक ये रेडी है जाने के लिए। और भाई रात में नींद कैसे आई? बहुत बहुत बढ़िया यार। अच्छा है ना? यस। और बस यहाँ से चलते हैं यार, रात में आ गया था, देखा था आपने, सो गया था आराम से, इतना थक गया था, मैंने ज़्यादा आपसे बात भी नहीं किया था, तो कोई ना, आज देखते हैं कहाँ तक कवर करते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो चल दिए हम लोग फिर ये जगह छोड़ के। और भाई आज गाड़ी तो बहुत आ रही है यार, कोई लिफ्ट नहीं देगा क्या? क्या करूँ, बहुत गाड़ी जा रही भाई। हेलो, हाउ आर यू? भाग गया भाई। हाय, हेलो, इसको देखो कुछ, इसको कितना प्यार आ रहा है मेरे पे, प्यार आ रहा है तुम्हें? डू यू लाइक मी? भाई इसको देखो कितना सुंदर है, कितना मस्ती खेल रहा है। उसको ले आओ, उसको ले आओ, बिल्ली को ले आओ, मेरा हाथ चाट रहा है, देखो काटना नहीं भाई। नो, डोंट कटिंग, चाटना बट काटना नहीं। ओके ओके, आओ आओ आओ, आ जाओ। हे भाई भाग गई, उसको पकड़ लाओ। अपने दोस्त को बुलाओ, समझ नहीं आता, दोस्त को बुलाओ, बिल्ली दोस्त को बुलाओ। भाग गए दोनों। सो अभी हम कुछ एक शॉप पे आए हैं, यहाँ पे थोड़ा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना, चाय वगैरह पीना है, फिर यहाँ से देखेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, लिफ्ट मांगेंगे। और भाई इसको देखो कितना मज़ा आ रहा है, प्यारू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन। भाई आ जाओ भाई, सच में ये आएगा मेरे पास, आओ लो। सच में यार मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, मैं देखो क्या यार, ये बच्चे लोग शैतान। ये देखो आ गए, इसको एक, इसको दो, ये लो भाई, उसको भी बिल्ली को खाने दो ना, ये लो। देखो आ रहा है कितने अच्छे से, लड़ाई करता है, बिल्ली को नहीं खाने देता है, बहुत शैतान है, लड़ाई करते हो। लो, ये लो, बस बाय बाय टाटा, खा लो। भाई जैसे बच्चों को नहीं खाना दो थोड़ा, तो दो तीन बच्चे होते कहते मुझे ज़्यादा चाहिए मुझे, वैसे ये दोनों चारों लड़ाई कर रहे थे, बेचारी बिल्लियों को खाने नहीं दिया, ये वाला शैतान है ये भी। आओ इधर आओ, हिचहाइकिंग मोड ऑन। हाय, लिफ्ट मिल गए, 2-3 किलोमीटर का, सच में यार 2-3 घंटे बाद मिली है, फिर भी मैंने सोचा 2-3 किलोमीटर ही बैठ लो, बट मज़ा आ रहा है भाई, हवा ठंडी। फाइनली लिफ्ट मिल गई है, प्रेम भाई ने दिया लिफ्ट, भाई है इम्फाल से, और मतलब मैं सोचा कि आज वैसा यहाँ पे मिल रहा है, कोई अच्छा नहीं दिक्कत है, कहीं कहीं पे हार्ड हो जाता है लिफ्ट मांगना कुछ स्टेट में, बट रियली नागालैंड में मज़ा आ रहा है अभी के लिए, अभी देखते हैं वोखा पहुँच जाऊँगा आज 100% एंड देन उसके लिए वो। मैं अभी एक रेस्टोरेंट में आया हूँ खाने के लिए कुछ खाना, और दीदी को ना समझ में नहीं आ रहा है, ना हिंदी और ना इंग्लिश, तो पहले तो उनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कि बीफ मिलेगा खा लो, मैंने कहा मुझे वेजिटेरियन हूँ तो मुझे पूरी चावल रोटी कुछ भी मिल जाए खिला दो, दीदी को समझ नहीं आया, बट कुछ देर बाद मैं बैठा रहा तो उनको पता नहीं क्या समझ में आया, तो कहे मेरे पास पूरी ये खा लोगे, मैंने कहा हाँ भाई, मतलब कभी कभी होता है यार, कहीं कहीं पे मतलब लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा बैरियर है, बट कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए पूरी मैंने कर ली है, पूरी मिला है और सब्जी मिलेगा, सब्जी खाऊंगा एंड चलूंगा फिर यहाँ से। भाई खतरनाक वाली भूख लगी है मुझे, आज पता है कैसा फील हो रहा है, जैसे कि मेरे शरीर में पावर नहीं है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मैं गिर जाऊँगा भाई, शरीर दर्द कर रहा है बहुत, आज बहुत गंदा फील हो रहा है, एनर्जी नहीं आ रही है। हमारा खाना छोला पूरी चाय
एंड स्टार्ट नाउ। और थैंक्स टू गॉड जीसस भाई मिल गया हमको लिफ्ट, चलते हैं, बहुत खुश हो गया। चलो भाई, कम टू वोखा विलेज गाइस। आए दो दिन की हिचाइक में मैंने 90 किलोमीटर क्रॉस किया, अभी हूँ वोखा विलेज में। ओ माय गॉड, मतलब समझो दो दिनों में 90 किलोमीटर क्या होता है यार। मैंने सोचा पहुँच जाऊँगा कम से कम मोकोचुंग, बट कोई बात नहीं, आज वोखा विलेज तो हो ही गया। देखता हूँ अगर कहीं जगह अच्छा मिलेगा तो आज कैंपिंग करेंगे, वोखा विलेज भी घूमेंगे, अगर मतलब किस्मत में होगा तो। हम लोग डोयांग यहाँ पे हूँ, ये है डोयांग भंडारी मेरा पानी जोराट, ये रास्ता जाता है, बट मुझे इस रास्ते को जाना है सर, मोकोचुंग ये वाला रास्ता है मोकोचुंग के लिए, जो लोंगवा विलेज पड़ता है ना इस साइड पड़ेगा। वाह, मोकोचुंग के लिए लिफ्ट मिल गई फाइनली डायरेक्ट यार, कम से कम 3-3.5 हो गया था तो कोई चांस नहीं था, बट भाई यूपी के भाई मिल गए। अभी दिखाऊंगा उनको वो तो लिफ्ट मिल गया और शाम तक पहुँचूँगा आराम से, वैसे आज नहीं पहुँच पाता बट लिफ्ट होने से बेस्ट हो गया कि मिल गया। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट था, भैया ने कहा रुक जाओ फोटो बना लो, देखो कितना बेस्ट व्यू आ रहा है भाई, बिल्कुल स्वर्ग की तरह सुंदर लग रहा है, रियली वेरी ब्यूटीफुल मैन। विजय भाई मिले हैं, इन्होंने मुझे दिया लिफ्ट, और ये भाई कानपुर से हैं, यूपी से, तो अच्छा लगा यार, कम से कम मतलब जब अपने साइड के लोग मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। टेंशन नहीं मेरे यहाँ रुकना, आज आराम से वहीं खाना खाओ, ठीक है। तो डोयांग इसका नाम है, ये नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, तो सही है भाई, कितना साफ पानी दिख रहा है, ये एक कुछ पुल है, पुल टाइप का। ओके सो भाई, हम लोग मोकोचुंग में आ चुके हैं, मैंने नहीं सोचा था कि आज मोकोचुंग में आऊँगा, बट लिफ्ट मिल गया तो आ चुका हूँ अभी मोकोचुंग में। तो स्वागत है आपका एक बार मोकोचुंग में, अभी हम एक फैमिली के साथ हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे अंकल जी के साथ जो ज्वाइन किया है ना, और तो अभी शाम हो गया, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।